सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को होली तक दुगना मुफ्त राशन वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अब इस योजना के तहत गरीबों को दाल, नमक, चीनी और तेल भी दिया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने योजना भवन के पास स्थित सरकारी राशन की दुकान पर खुद भी लोगों को राशन के पैकेट दिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के समय इस योजना का प्रारंभ किया गया था, जिसके बाद रामनवमी से दीपावली तक तकरीबन 7 महीने गरीबों को मुफ्त अनाज दिया गया और अब दिवाली से होली तक अनाज का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि ये डबल इंजन सरकार की सफलता है कि बीजेपी सरकार ने कोरोना के मुश्किल समय में भी किसी गरीब को भूखे पेट नहीं सोने दिया। हमने स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में खाद्यान्न की योजना और फ्री में वैक्सीन सभी लोगों को उपलब्ध करवाने के एक बड़े कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन डबल इंजन की सरकार का डबल खाद्यान्न का लाभ भी हर जरूरतमंद को प्राप्त हो, यह लाभ भी हर जरूरतमंद को दिखे, इसी दृष्टि से आज इस बृहद खाद्यान्न योजना का शुभारंभ एक बार फिर से दीपावली से होली तक आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार है तो महीने में 2 बार खाद्यान्न योजना का लाभ हर जरूरतमंद को प्राप्त हो, आज इसी का शुभारंभ करने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डबल इंजन की सरकार का हवाला देते हुए डबल राशन की स्कीम का शुरुआत करी है। आपको दिखाना चाहेंगे कि आज उचित दर की दुकान से, जो राशन की दुकान है, वहां से उन्होंने इस योजना का आरंभ किया है। लखनऊ मध्य क्षेत्र में आने वाली इस दुकान से स्वयं योगी जी ने आके इस योजना का शुभारम्भ किया और देख सकते हैं ये पैकेट है जिसपे प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर चस्पा है और इसके अलावा आप इसमें राशन है, इसके अलावा आप देखेंगे सोयाबीन रिफाइंड ऑयल है, नमक है और चना है। ये सारी चीज़ें अब राशन के साथ साथ मिलेंगी, जिससे कि इस पर देख सकते हैं कि योगी जी का और मोदी जी का तस्वीर भी चस्पा है। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि स्वयं योगी जी ने जिनको राशन वितरण किया है, आप उसमें एक पात्र व्यक्ति हैं, आप बताइए क्या कैसा लगा आपको ये? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। कितनी मदद मिल सकती है आपको? आपको बहुत मदद मिली, बच्चे भूखे नहीं रहे, इनकी बदौलत से हम लोग को और ऊंचा होना पड़ा। कोरोना काल में जिस तरीके से सरकार ने मदद करी और जो अब घोषणा हुई है 2022 मार्च तक होली तक ये राशन वितरण होगा, क्या कहती हैं, कैसा है स्कीम? बहुत अच्छा, धन्यवाद योगी जी का, बहुत बहुत हम गरीबों का रसोई चलेगी, कम से कम भूखे नहीं रहेंगे। कोरोना काल में कोई कमाने वाला भी नहीं, एक लड़का है वो भी नहीं कमा रहा, क्या करें सर, कम से कम भूखे तो नहीं मरेंगे। तो सोचते हैं भैया हर साल हर बार वो रहे। ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और माननीय योगी जी के कुशल नेतृत्व में, जिसका आप समझ सकते हैं, माननीय जैसे योगी जी ने कहा ट्रांसपेरेंस व्यवस्था सारी हो, हमारे प्रदेश के जितने मंत्रीगण, राजमंत्रीगण, चेयरमैन, अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सबको लगाया गया है कि उनके सामने वितरण हो और उस पात्र तक पहुंचे वास्तव में जहां आवश्यकता है। आपने देखा कोरोना काल में जिसको रोजी रोजगार नहीं है, घर में खाने को नहीं है, पूरा परिवार परेशान है, उसके लिए उनके चेहरों पर जो खुशी देखने को मिल रही है, वास्तव में दिल की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को दुआएं दे रही हैं कि ऐसा कुशल नेतृत्व सदैव बना रहे। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए साफ तौर पे कहना है कि महंगाई की मार अगर कहीं कोई सोच रहा है उसके ऊपर पड़ रही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने इस बार उसमें खाद्य तेल के सोयाबीन रिफाइंड ऑयल भी जोड़ा गया है और दाल की व्यवस्था उसके अंदर है। हालांकि स्कीम करीब करीब 80,000 दुकानों के माध्यम से प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को लाभ देने वाली है। निश्चित तौर पे इस स्कीम के लॉन्च से आज लोगों के चेहरे पे एक खुशी तो झलक ही रही है। कैमरा पर्सन सलीम के साथ अमित पाठक, MH1 न्यूज़, लखनऊ।